हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, जो क्लास 12 बायोलॉजी का एक टॉपिक है। सो डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो अगर हम एक डीएनए स्ट्रैंड को देखें तो डीएनए एक्चुअली एक पॉलीमर है, मींस बहुत सारे छोटे यूनिट्स एक दूसरे के साथ रिपीटेटिवली ज्वाइन किए गए हैं, तब जाके डीएनए बना। और हम इसे पॉली न्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होके डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं। So DNA is called as a polynucleotide because it is a long chain made up of many nucleotides joined together. I hope ये clear है। Okay, अगर हम इस एक unit को लेते हैं nucleotide को, और अगर हम इसको open करके देखेंगे, so इसके अंदर दो components मिलेंगे। First one will be called as a nucleoside and the second one will be called as a phosphate group. अगर आप न्यूक्लियोसाइड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हो तो आपको मिलेंगे दो कंपोनेंट्स, एक शुगर जो पेंटोज शुगर है, मींस 5 कार्बन प्रेजेंट है, जिसे हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं, और एक नाइट्रोजिनस बेस। सो अगर हम कुल मिला के देखें तो न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट हुए, डीऑक्सी राइबोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजिनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स दो हैं, एडिनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन्स भी दो हैं, इन केस ऑफ डीएनए दैट इज साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन अगर आप आरएनए की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट मिलेगा। सो इफ वी ट्राई टू ड्रॉ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, हाउ डू वी मेक इट? वी मेक अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन फर्स्ट। सबसे पहले हमारे डीएनए में शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, और हर शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है। हर एक शुगर एक फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और हर शुगर जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजनस बेस से थ्रू अ बॉन्ड कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द फॉस्फेट इज अटैच्ड टू द 5' end ऑफ द फर्स्ट शुगर एंड देन टू द 3' end ऑफ द नेक्स्ट शुगर। सो इस तरीके से हर एक फॉस्फेट दो अलग शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। सो दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ 3 components, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड को फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस के बॉन्ड को एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, और इन तीनों को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। इसके फर्दर जो स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।